मथुरा वृंदावन नगर आयुक्त शशांक चौधरी जी के द्वारा नगर निगम मथुरा वृंदावन में नगर निगम की भूमि को अवैध कब्जे अथवा अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए निरंतर अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में दिनांक 2 मार्च 2024 को सहायक नगर आयुक्त श्री राकेश कुमार त्यागी जी के नेतृत्व में श्री राधे बिहारी लेखपाल एवं नगर निगम की टीम के द्वारा मौजा असगरपुर खसरा संख्या 226 सरकारी आबादी की भूमि लगभग 1500 वर्ग मीटर को कब्जा मुक्त कराया गया। उक्त भूमि पर श्री फतेह सिंह, श्री प्रहलाद सिंह, श्री नेपाल सिंह आदि के द्वारा पक्की बाउंड्री निर्माण कार्य कराकर कब्जा किया हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। नगर निगम की टीम द्वारा उक्त पक्की बाउंड्री वॉल को जेसीबी के माध्यम से तोड़वा दिया है। वहीं नगर निगम मथुरा वृंदावन के स्वामित्व का बोर्ड स्थापित किया गया। आज असगरपुर में जो जेसीबी चल रही है, बिल्डोजर से तोड़फोड़ का कार्य चल रहा है, क्या मामला है सर इसका? यहाँ पे खबर आई थी कि कुछ लोग यहाँ पे जो सार्वजनिक जगह है, हमारी सरकारी जगह है, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और बाउंड्री दीवार बना रहे हैं। ये पति सिंह है, प्रहलाद सिंह है, नेपाल सिंह है, तो हम अपने लेखपाल कानून को और ATF को लेकर के आए थे और यहाँ देखा कि ये जमीन जो है खसरा संख्या 226 जो है आबादी की भूमि है, जो मौके पे गांव के बीचों बीच बड़ी लगभग 1500 वर्ग मीटर जगह है, बड़ी कीमती जगह है और इस पे ये लोग दीवार बना करके, बाउंड्री वॉल बना करके कब्जा कर रहे थे और ये हम जेसीबी से इसका कब्जा हटवा रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ हम लोग FIR भी लिखवाएंगे। सर आगे और क्या प्रोसीजर होगा आपका? आगे प्रोसीजर ये है कि ये जमीन जो है सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, निजी भूमि नहीं है और इन्होंने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, इनके खिलाफ FIR लिखवाएंगे। कब्जा हम लोग हटवा रहे हैं और ये आगे